तक आपने देखा कि कैसे रामा विजयनगर राज्य को छोड़कर अपने तिनाली गांव वापस लौटाता है। और ऐसा इतिहास के अनुसार बताया जाता है कि पंडित रामा के विजयनगर से पलायन करते ही विजयनगर के महल में राजा कृष्णदेव राय के राजमहल में षड्यंत्र होने लगे थे। चूंकि षड्यंत्र कोई और नहीं महामंत्री तिमारसु के द्वारा रचाए जा रहे थे। महामंत्री तिमारसु विजयनगर के एक ऐसे व्यक्तित्व थे जिनका कृष्णदेव राय अधिक सम्मान करते थे तथा उन्हें अपने पिता के तुल्य मानते थे। परंतु राजा देवराय की मृत्यु के संदर्भ में ये कहा जाता है कि उनकी मृत्यु किसी और ने नहीं बल्कि मंत्री तिमारसु की साजिशों की वजह से हुई थी। इतिहासकार ऐसा बताते हैं कि तिमारसु ने षड्यंत्र रच के राजा कृष्णदेव राय की हत्या में अहम भूमिका निभाई। 1529 ईस्वी में राजा कृष्णदेव राय की मृत्यु हो गई और वो मृत्यु जहर के कारण हुई थी। ऐसा बताया जाता है कि राजा कृष्णदेव राय के खाने में धीरे जहर को मिलाकर उन्हें खिलाया जा रहा था, जिसमें कि महामंत्री तिमारसु का हाथ बताया जाता है तथा दरबार के कुछ अन्य दरबारी भी हुआ करते थे। तथा दूसरी तरफ ये माना जाता है कि तिमारसु ने कृष्णदेव राय और उनके पिता की तहे दिल से अपनी पूरी तन मन धन से सेवा की थी तथा कोई सवाल पैदा नहीं उठता कि वो कृष्णदेव राय की जान लेने पर तो लाएं। परंतु अब क्या सच है और क्या झूठ, ये तो इतिहास के पन्नों में ही वर्णित है। जहां पर कुछ साक्ष्य तिमारसु को दोषी ठहराते हैं वहीं उनकी प्रशंसा करते हैं। तथा मंत्री तिमारसु के पक्ष में एक और बात का खुलासा किया गया है। उन्होंने बताया है कि जब पूर्व शासक यानी कि विजयनगर साम्राज्य के पूर्व शासक जिनका नाम था वीर नरसिम्हा राव, जो कि विजयनगर साम्राज्य के पूर्व शासक थे, वे चाहते थे कि उनके पुत्र को राजगद्दी पर आसीन किया जाए। लेकिन अब होना कुछ ऐसा था कि कृष्णदेव राय को किसी परिस्थिति की वजह से राजगद्दी पर आसीन किया जा रहा था, जिससे नरसिम्हा राव काफी ज्यादा उदास थे। वो नहीं चाहते थे कि कृष्णदेव राय को गद्दी पर बिठाया जाए। इसी के संदर्भ में उन्होंने मंत्री तिमारसु की सहायता लेते हुए उन्हें अपने एक षड्यंत्र में शामिल करते हुए कृष्णदेव राय को मारने की साजिश रची। हालांकि वीर नरसिम्हा राव उस समय अपनी मृत्यु की शैया पर लेटे हुए थे, उनका अंत समय नजदीक था और वो इससे पहले चाहते थे कि उनके पुत्र को वे राजा बनते हुए देख सके और कृष्णदेव राय को मरता हुआ देख सके। लेकिन मंत्री तिमारसु ने उनके इस षड्यंत्र को नाकामयाब कर दिया और कृष्णदेव राय की जान बच गई। इसी दौरान षड्यंत्र महल में जारी रहे और कृष्णदेव राय की जहर के कारण ही मौत हुई। अब भाई इसके हत्यारे तिमारसु को ठहराया जाए या किसी और को, कहना मुश्किल है। राजा कृष्णदेव राय की मृत्यु के पश्चात विजयनगर में काफी ज्यादा परिवर्तन आए, जिनके परिणाम कई रहे, जिसमें से एक था राजगुरु तथा चार्य का विजयनगर को त्याग कर वापस लौट जाना, और इसी के साथ रामा भी जा चुके थे और नगर में पहले की तरह व्यवस्था नहीं रही थी। क्योंकि राजा कृष्णदेव राय की मृत्यु के पश्चात सत्ता परिवर्तन हो गया था। हालांकि कृष्णदेव राय ने मरने से पहले यह घोषित कर दिया था कि अगला राजा कौन होगा, और वो कोई और नहीं उनके भाई अच्युत्या देव राय थे। जी हाँ, जिन्होंने उनका अगला उत्तराधिकारी घोषित किया था। तथा सत्ता के इस परिवर्तन के बाद महामंत्री तिमारसु को अपनी उपाधि छोड़नी पड़ी और उन्हें राज्य से निकाल दिया गया। इसके बाद उन्होंने अपना पूरा जीवन तिरुपति में बिताया और उन्होंने राज्य से किसी भी प्रकार की आर्थिक सहायता लेने से मना कर दिया। यहाँ तक कि राजा के आग्रह करने के बाद भी उन्होंने मना कर दिया। तथा ऐसा माना जाता है कि गरीबी में ही अपना जीवन यापन करते करते उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। और अगर हम वर्तमान में बात करें तो उनकी समाधि यानी कि आंध्र प्रदेश राज्य के अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट में पेनुकुंडा में उनकी समाधि बनाई गई है। यही नहीं, इसके पश्चात विजयनगर के भूतपूर्व राजगुरु तथाचार्य उनकी भी स्थिति खराब हो गई थी। राजा कृष्णदेव राय की मृत्यु के पश्चात इन्होंने भी विजयनगर को त्याग दिया था और अपने निवास स्थान पर वापस लौट आए थे। और 3 दिसंबर 1543 में कांचीपुरम में इनकी मृत्यु हो गई थी। इनकी मृत्यु का कारण प्राकृतिक वृद्धावस्था ही था।
और यदि अगर हम बात करें पंडित रामकृष्ण की मृत्यु की, तो राजा कृष्णदेव राय की मृत्यु जो कि 1529 में हुई थी, इसके बाद उन्होंने, हमने जैसे कि पहले बताया, उन्होंने राज्य को छोड़ दिया था और तेनाली गांव वापस लौटाए थे, और इसके ठीक 30 वर्ष पश्चात उनकी मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु का कारण बताया जाता है कि एक विषैले सांप ने इन्हें काट लिया था, जिसके कारण इन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। न जाने कितनी ही बार इन्होंने कृष्णदेव राय के प्राणों की रक्षा की, राज्य की सुरक्षा की। इसी के साथ साथ इन्होंने अपनी सूझबूझ और चातुर्य से विजयनगर में होने वाली समस्याओं को भी सुलझाने में सहायता की, लेकिन उनको ही किसी विषैले सांप ने उनकी आयु से पूर्व ही काट लिया। ऐसे में रामकृष्ण की मृत्यु के पश्चात तेनाली रामा की कहानी का किस्सा यही समाप्त हो जाता है। हालांकि ये चीजें अब कुछ रहस्य बनकर उभरी हैं कि जैसे कि कृष्णदेव राय की मृत्यु, क्या इसमें तिमारसु की साजिश थी या फिर कोई और कारण था। तो दोस्तों, हम लोग उम्मीद करते हैं कि हम आपको तेनाली रामा के एपिसोड 804 के बारे में जो कुछ भी हुआ था, उसकी जो सच्ची घटना है, उसको लेकर प्रस्तुत हो पाने में सक्षम रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं आपको हमारी यह वीडियो जरूर पसंद आई होगी, और इस वीडियो को बनाने का मोटिव सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की डिमांड थी, क्योंकि लोग जानना चाहते थे कि भाई क्या कुछ हुआ है,